कोई नहीं, अब कल कर दियो यार, एक दिन में, अरे एक दिन में कुछ ना हो रहा यार, प्रमोशन मैं आज ही सारा सामान कर, अब कल कर लियो सपोज को यार, तू पागल है, जिम थोड़ा जिम जाऊंगा काम करने के लिए, रोती रह चल। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह का टाइम वही 7:15 का टाइम, ग्रीन टी अपनी चल रही है, इसी को पीने मुझे 10 मिनट लग जाते हैं और उसके बाद मैं निकल रहा हूँ जिम। मैडम सॉरी है, ओ अभी जिम जाते हैं और उसके बाद मैडम मेरा ब्रेक वो मील बना के, मैडम मेरी मील बना के सो रही है, पूरा बोला मैडम मेरी हेल्दी डाइट वाली मील बना के सो रही है। ठीक है चलो ठीक है गाइज जिम जाते हैं। किसी को पकड़ के लाते हैं और आ जाओ भाई, कौन है भाई साहब वाला, राहुल भाई मुंह क्यों छुपा रहे हो, आ जाओ सेल सेल के डबल उठाओ, 3 4 करना है, हाथ ऊपर रखो, यही रखना हाथ। गाइस वर्कआउट करवा दिया सबका, अब टाइम आ गया डाइट खाने का। तो ये है मेरी पहली मील दिन की और ये हमारा अंकित भाई, अभी अभी बेल बजी है, फिर कहीं ना कहीं इसने खर्चा करवा दिया कुछ। हाँ क्या ले आई अब, क्या मम्मी के लिए आयरन बोर्ड, आयरन बोर्ड चाकू, ये तो पोछा मार रही है, ये चाकू से मैं जितने कमाता हूं उतना तू खर्च कर देती है क्या, एक्सक्यूज मी, ये मैंने अपने पैसे से मंगाया, मैंने अपने से मंगाया है फिर ठीक है। तुम अपने लॉकर का बंद चाबी से देते नहीं हो, तुम कहां से मतलब मेरे लिए कुछ मंगा दिया, अगर अपने पैसे से मंगा रही है तो तुम्हारे लिए गाइस मंगाती, चिकन और अंडे। गाइस हम ओपनिंग कर रहे हैं, कुछ होगा हम लोग को सुनाएगा, देखते हैं। लल्लू ही रही है, ये चाकू से नहीं खोल दे, चाबी से तू खोल रही है, तो लेके आना पड़ेगा घर, कौन सा 4 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है हमारा रसोई। देखो गाइस यहाँ टेप लगी हुई है, इसको फाड़ और खुल गया, क्या कर रही है भगवान कसम, दिमाग ही नहीं होता लड़कियों में, लड़कियों का पता नहीं, मेरी वाली में तो थोड़ा कम है भाई। क्या हाल है, क्या हाल है, देख कितनी आसानी से खुल गया, इधर से तो कौन तक फूफा खोल लेगा, इधर से देख रहा चाची, याद कर रही आपको। हमारे घर पे ना प्रेस करने की जगह नहीं थी तो हमने ये मंगाया, मम्मी के लिए मंगाया, सही लग रहा है, तुम खोल चेक कर, छोटा नहीं है, बैठना पड़ेगा, ये बेड पे रख के हो जाएगा ना आराम से, वहाँ प्रेस आ जाएगी, देख जगह बनी है, यहाँ प्रेस भी आ जाएगी, नहीं लो है। गाइस अब हम लोग तैयार हो चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं जिम में, चल ले यार। हाँ मेरा कैबिन का है, बैग नहीं होगा, नहीं मिल रहा मुझे बैग में, तो वहाँ का ढूंढ रही है बैग, यहाँ पड़ा है, यहाँ पे है क्या, हाँ यही होगा, इसमें देख क्रिएटिन है, हाँ तो और कौन सा कैफीन आ गया, अरे जो अलग से सैक में आया था वो कहाँ है, कब डाला था मेरे बैग में, जब वो लास्ट हम कब गए थे वर्कआउट करने, फ्राइडे को गए थे ना, और यार संडे को तो मैं सारा सामान जिम में रख के आया था, तुम पागल हो, अबे यार मैं क्या करूँ यार, मैं प्रमोट करना था यार, वो तुम गाले घुमाओगे मुझे ब्रांड से, कोई नहीं अब कल कर दियो यार, एक दिन में, अरे एक दिन में कुछ ना हो रहा यार, प्रमोशन मैं आज ही सारा सामान कर, अब कल कर लियो सपोज को, यार तू पागल है, जिम थोड़ा जिम जाऊंगा काम करने के लिए, रोती रह चल, यार दिमाग खराब कर, कल कर लियो उसको, अबे बोलते हो, मैं गवा जिम छोड़ा, ये क्या है, ये बड़ा है, कर दिया फ्रैंक, कर दिया कर दिया भाई, फ्रैंक कर दिया, इसके ऊपर आज ले लो भाई, देख लो आज, चल फ्रैंक में मिल, मजाक मत किया करो मेरे साथ, मैं बोल रहा हूं कुछ यार, परेशान करते हो तुम बहुत ज्यादा, चल हम निकल, हम जिम पहुंच गए हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और जितनी ज्यादा धूप हो रही है उससे ज़्यादा गर्म ये हो रही है, क्योंकि मैंने इसे प्रैंक किया, कहा है मैंने इसे प्रैंक किया और ये मुझसे बात नहीं कर रही है, बात कर ले नहीं, यार ये सब तुम लोगों ने करवाया, तुमने बोलता प्रैंक करो
अब प्रैंक कर दे, बताओ इसको मनाना कैसे है। नहीं मान रही है, मैं अपने वर्कआउट करने आई हूं, अपने वर्कआउट से मतलब। तो मेरे साथ क्या हुआ, पैदल आती? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, उमंग का त्याग है मजबूरी का नाम। तो गाइस अभी इसको प्रोटीन मेरे पास है, बीसीए मेरे पास है, अपने आप आएगी बात करने के जब मैं भाव खाऊंगा इससे। दूसरी बारी में बढ़ाया नहीं, दूसरी बारी मैंने बढ़ाया नहीं, ऐसे अंदर से खाली करके दे दिया। तो इसको पी के उल्टी खड़ी होती है, नीचे टांग ऊपर वो चढ़ेगा सर पे, कल चढ़ाऊंगा। मजाक नहीं कर रहा, सर में चढ़ जाएगा। गाइस वर्कआउट खत्म हो गया, अब हम जा रहे हैं घर। इसको इतना समझ में नहीं आता कि वर्कआउट के बाद काप लेने चाहिए। एक भाई मैं डाइट में नहीं है, ठीक है, डाइट में नहीं है। एक सेब लाया था, मेरा सेब खा गया बैठ के आके, खिला रहा हूं फिर जानबूझ के ब्लॉग बना के एडिट करता हूं। यार कितनी गंदी है यार, समझती दुनिया पागल नहीं है? तो तू तो पागल है। मैं पागल नहीं हूं, तू पागल नहीं है, तू गधी है, तू पागल नहीं है, तू गधी है। तुम गधे बता, एक वो लाऊं सेब अपने लिए, उसमें से भी आधा खा गया फिर कह रहे खिलाया। अरे बाइक खा गई। हां मेरे बिट्टू पूरा जी इनको पतला होना था। मैंने बोला सबसे बड़ी एक्सरसाइज है रीरैक करना, जो कोई नहीं करता। तो मैडम लगी है रीरैक करने में, सफेद सफेद दिख रहा है, सफेद सफेद दिख रहा है। सही में मजाक नहीं कर रहा, मोदी अभी हो गया। उतर नहीं रही क्या? शो योर फ्रंट, ये आपका है फ्रंट पोज। अंदर दे अंदर दे, एक्सपर्ट है तू, तो एक्सपर्ट है। तो गाइस मैं घर आ गया हूँ, आज बहुत कुछ लास्ट होने वाला है, लास्ट मील है हमारी जो हम सोयाबीन खाते हैं, और लास्ट व्लॉग भी, ये लास्ट व्लॉग भी है। पूछोगे ना क्यों? बताइए क्यों? क्योंकि गाइस उमंग कत्याल में घमंड आ चुका है। सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आई एम अबाउट टू रीच 50,000। मैं अपनी वीडियोस खुद की बनाऊंगा, तो हमारे ब्लॉग्स के लिए हमें नया चैनल। घमंड नहीं आया, झूठ बोल रही है। मजाक पूरी बात नहीं करने देते, मैं पति पर कभी घमंड नहीं आ सकता, मेरे लिए तो कभी नहीं आ सकता, दुनिया के लिए नहीं आएगा। हम दोनों दिल के बहुत अच्छे हैं, हम अपने मुंह से बात बोल देते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या सोचा है, उमंग कत्याल को एक खुद की आइडेंटिटी बनानी है। उमंग कत्याल का चैनल है, उसमें उमंग अपना जिम, अपने क्लाइंट्स, अपनी फिटनेस वो दिखाना चाह रहे हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग विद हिम, और हमारे जो व्लॉग्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अब दूसरे चैनल पे। सो फिलहाल के लिए आपको क्या करना है गाइस, हम लोग को सजेस्ट करिए कि हम जो नया चैनल बनाए वो किस नेम से बनाए जो आपको पसंद हो। अगर आपके कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं तो हम आपको शाउट आउट देंगे, और उसी के साथ हम फर्स्ट व्लॉग की शुरुआत करेंगे कल ही। तो खूब सारे कमेंट करिए और बताइए कि हमें चैनल का नाम क्या करना, क्या लिखना चाहिए, और हमारे ब्लॉग्स प्लीज़ ज़रूर देखिएगा न्यू चैनल पे जो हम क्रिएट करने वाले हैं। सो बहुत सारा प्यार देते रहिए, थैंक यू सो मच। हमारी डाइट रहिए, हेल्दी रहिए, और हमारे साथ प्लीज़ बने रहिए। आप लोग हमारे ब्लॉग को बहुत प्यार दे रहे हो, नए चैनल पर भी प्लीज़ देना, थैंक यू, बाय 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 गाइस। अपना प्यार देते रहिए, आप लोगों ने बहुत कुछ दिया है मुझे,
ये कॉन्फिडेंस भी आप लोगों का ही दिया हुआ है। मैं पहली बार जब व्लॉग बना रहा था मुझे बहुत घबराहट हुई थी मैं क्या बोलूँगा, लेकिन अब मुझे लगता है मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कहीं भी फ़ोन ऑन करके व्लॉग बना लेता हूँ। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, नए चैनल पे लेकिन पुराना उमंग और पुरानी कविता। बाय बाय।